हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जवे की जर्दा। जवे की जर्दा बनाने के लिए ये मैंने हल्दीराम के जवे लिए हैं। आप कोई से भी ब्रांड के ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे जवे आते हैं और ये भुने हुए भी आते हैं। और जो हम खुले जवे लेते हैं वे कच्चे आते हैं, उन्हें हमें भूनना पड़ता है, लेकिन ये भुने भुनाए आते हैं। अब हमें ले लेने हैं 2 कप जवे। ये देखिए गाइस, हमने 2 कप जमे बनाए हैं। जमे बनाने के लिए हम गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये बादाम है, किशमिश है, काजू है। अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। हमें ये 1 से 1.5 मिनट तक के लिए फ्राई करने हैं। अब हमने एक किशमिश भी इसमें ही डालकर फ्राई कर लेनी है। ये देखिए, ये बादाम और ये फ्राई हो चुके हैं किशमिश। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच घी का और इस्तेमाल करेंगे। ये हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं सही जमे। अब हम इन्हें हल्की आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं घी में, और अच्छे से, ताकि इनका कलर अच्छे से और आ जाए और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब देसी घी में जमे फ्राई होते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे जमे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस कर देते हैं कम। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। ये हम इसमें 1 चम्मच घी का और इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ली है 3 लौंग भी है और 3 इलायची। अब हम ये भी इसमें डाल देते हैं। लौंग और इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हमने 2 कप सही ली थी, अब हम इसमें 4 कप इसी कप से पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 4 कप पानी डाल दिया है, हमने 2 कप सिवाई ली थी। पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डालेंगे। हमने इसमें फ्रूट कलर डाल दिया है। ये हम इसमें 1 चुटकी केसर के धागे भी डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए गाइस, हमारा पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं जवे। ये देखिए गाइस, अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाते हैं, तो दिखाते हैं आप। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। ये देखिए गाइस, इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं हमारे जवे, जवे का चरला। ये देखिए, अब हम दिखाते हैं, ये गल चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने 2 कप जमे लिए थे और मैं इसमें 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना मीठा कम या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमने जो ये काजू और ये सारे ड्राई फ्रूट हमने जो फ्राई की थी, और हमने जो ये बादाम है इन्हें भी हमने कट कर लिया है, इनके 2-2 पीस कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ डाल देते हैं और कुछ हम बाद में इस्तेमाल करेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए गाइस, अब हम इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं, ताकि हमारी जो चीनी है, इसमें जो शरबत बना है इसका एक पत है, ये अच्छे से सूख जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए गाइस, हमने 5 मिनट के लिए रख दी थी ढककर हल्की आंच पर। ये देखिए, बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसका सारा पानी भी सूख गया है। ये देखिए, खिली खिली बनी है हमारी सिवई।
जो हमने सेवई का जर्दा बनाया है, ये जवे का जर्दा है, ये देखिए। अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट बचा कर रखी थी, अब हम इन्हें ऊपर से डाल देते हैं। ये हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दी हैं, अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढक देंगे। ये देखिए गाइस, 3 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे देखते हैं कितने अच्छे से हो चुका है हमारा जर्दा रेडी। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा जर्दा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए खिला खिला, बिल्कुल एकदम एक एक दाना अलग अलग हो रहा है। कितना अच्छा हमारा जर्दा बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्राई करें, बनाकर देखें, बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है।